मीडियम आग पे रख के, और उसमें मैं तेल नहीं डालूंगा और सिर्फ उसको हल्का सा वार्म अप करके पास्ता गरम करके फिर इसको हम प्लेट करेंगे। जी लाहौर से हमारे पास कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। रमजान मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू जी। हेलो जी, आज आपने कल का प्रोग्राम और आज का प्रोग्राम देखा जी, आपको पसंद आया हमारा प्रोग्राम? जी हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा जी, बहुत शुक्रिया जी। जी तो आपकी कोई कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो? नहीं, मुझे आपका मैगजीन चाहिए। अच्छा, आपको मैगजीन चाहिए हमारा? जी। अच्छा जरूर जी, वील टेक केयर ऑफ दैट योर रिक्वेस्ट। नहीं कुछ भी नहीं, आप सब परमिशन भी कहते थे। अच्छा बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अब जो मैं कर रहा हूँ नाजरीन, इसको पास्ता को आप इस तरह भी कर सकते हैं, स्पून भी ले सकते हैं। मैं इस वक्त टोंग लेके आपके सामने इसको थोड़ा सा टॉस कर रहा हूँ। चूँकि पास्ता को बॉईल करते वक्त मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला था, इसलिए मैंने ऑयल को दोबारा इस्तेमाल नहीं। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय की बारगाह में, तो और क्या है चाहिए। हो गया, हमारे जो हैं स्टोव ऑफ हो चुके हैं, और अब मैं इसको डिश करूँगा फिश को। पास्ता करने के बाद आई एम गोइंग टू लिफ्ट दिस अप राइट हियर। आप देखेंगे कि इस वक्त मुझे आई एम गेटिंग इमेंस फ्लेवर्स ऑफ जिंजर, गार्लिक, अनियंस, चूंकि और इसके साथ जो है आप ब्लैक आइड बीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ आप टार्टर सॉस बना सकते हैं, बनी बनाई भी मिलती है, या आप खुद घर पर इस्तेमाल कर ले सकते हैं। आपकी जो टार्टर सॉस है उसमें छोटा सा मैं आपको बताता चलूँ, बड़ी क्विक रेसिपी है, टिप है। मेयोनेज़ लेके अनियंस आपके पास तैयार हैं वो ऐड कीजिए, आपके पास कोई भी हर्ब्स हैं वो डाल लीजिए, और पिंच ऑफ सॉल्ट एंड अ लिटिल बिट ऑफ लाइम जो आपके पास पहले ही है। तो जितना आप ये जो है इस्तेमाल करेंगे और वो साइड पे इस्तेमाल करके आप उसको डिप कर सकते हैं। इसके लिए लाइम जो है वो भी फ़ायदेमंद है ऑफ कोर्स, तो आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा घर पे। ब्लैक आइड बीन्स आप ज़रूर बनाइएगा, इनमें आपकी वेरिएशंस जो हैं, आप उसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, आप उसमें टमेटोज भी डाल सकते हैं, आप उसके अंदर इंस्टेड ऑफ सिलान्ट्रो आप उसके अंदर जो है और किसी की भी हर्ब डाल सकते हैं। ब्रेक लेते हैं जल्दी से और फिर वापस आते हैं हम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। अभी मैं फिनिश किया है फ़िश बनानी और ब्लैक आइड बीन्स जो बना रहे हैं। इनको फिनिश करने के बाद अब आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत सी जो है वो मैंने मिल्क शेक जो है सोचा था उसके बारे में। आज जो मिल्क शेक हम बना रहे हैं उसमें हम बनानास डालेंगे, और उसके साथ ही हम उसमें आइसक्रीम भी ऐड करेंगे, और थोड़े से नट्स भी इनमें डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये इसका कवर उतार के बनानास जो हैं आपके
घर में होंगे नहीं हैं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितने भी राइप बनानास हों उनको पील करके आप उसमें ऐड कर ले सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसमें दो जो है बनानास ऐड कर दिए हैं। अगर आपको के बच्चों को या आपके हस्बैंड को या स्पाउस को पसंद हैं कि ज़्यादा बनानास हों, यू कैन ऐड द थर्ड वन। इसमें कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट मैं जो यूज़ करता हूँ, और इसमें इसी तरह ही मैं जो वॉलनट्स हैं उसको मैं ऐड कर देता हूँ। यह आपका ऑप्शन है, आप यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, नहीं करना चाहते तो प्लीज़ उसको रेफ्रेन कीजिए, क्योंकि एलर्जी भी होती है नट्स की। मैं इसमें चीनी ऐड कर रहा हूँ, दो टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड करके। और साथ ही मैं आपसे ज़िक्र करता चलूँ कि हमारी ज़िंदगी में बड़ी ऐसे अज्जा होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, इस तरह खाने पीने में जो अज्जा है वो है मिल्क। मिल्क का भरपूर और नॉट ओनली जायकेमंद, लेकिन इसका जो है हेल्थ वाइज भी, ऑल्पर्स का फुल क्रीम मिल्क जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, दिस इज़ द बेस्ट। इसमें मैं चीनी ऐड करने के बाद इसमें बर्फ़ ऐड कर रहा हूँ, और मैं आइसक्रीम निकालने लगा हूँ फ्रीज़र से। फ्रीज़र से जो आइसक्रीम निकाल रहा हूँ इसमें एक स्कूप जो है मैं ऐड करूँगा, आइसक्रीम स्कूप। अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूप नहीं है घर पे तो आप स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा स्कूप है। तो इसमें मैं ये लीजिए इसको मैं यहाँ पर रख के और इसकी लिड लगा के ये अब इसको हम जैप करेंगे। ये मैं इसको साइड पर कर दूँ और ये यहाँ पर कर लूँ ताकि इसको आसानी के साथ मैं ब्लेंड कर सकूँ। ये और है जी हाँ, हमारा मिल्कशेक तैयार है। और इसमें आपके सामने में ये पोर करके दिखाता हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आपको इसको थिक करना है आप इसमें आइस और ऐड कर सकते हैं, अगर आपको जो है लाइट रखना है तो लाइट भी कर सकते हैं। इसमें आपने आइसक्रीम डालनी है तो थोड़ी सी आइसक्रीम भी डाल लीजिए। यह आपका मिल्कशेक तैयार है, इट्स वेरी हेल्थी, इट्स ऑल नेचुरल, दूध, बनानास, वनीला एक्सट्रैक्ट, वॉलनट्स का भी है, सो इट्स अ वेरी गुड एंड रिफ्रेशिंग कॉम्बिनेशन। आप ने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। हल्की सी टिप देता चलूँ आपको थॉइंग के बारे में, फिश की जो थॉ करने का होता है, जो जो आप जो है यहाँ पर फिश के बारे में जो मैं जिक्र कर रहा था, जब आप थॉ करते हैं तो उसको रनिंग वाटर में आप थॉ कीजिए, कोल्ड रनिंग वाटर, गर्म पानी ना इस्तेमाल कीजिए। और अगर गर्म पानी है तो उसमें थोड़ी सी आइस डाल दीजिए ताकि उसमें जो टेम्परेचर है वो उसका ज़्यादा इंक्रीज ना हो। और उसमें जब आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसमें जो वो उसकी कुकिंग प्रोसेस शुरू हो चुका होता है और टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आई होप आई हैव सर्व्ड यू वेल। कुछ जो है मैंने आपके लिए चीज़ें डिफरेंट सी बनाई हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतनी सपोर्ट दी है मुझे, जिस तरीके से आप सपोर्ट देते आ रहे हैं, और हम आगे चलते हैं और इंशाल्लाह तो जी तो अच्छा तो अभी जा तो खुदा हाफिज़।